नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब, जिसे आज श्री गुरु नानक देव सरोवर के नाम से जाना जाता है, ये सरोवर आज भी अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहा है और इस दुर्दशा की कहानी निगम के अधिकारी भी सुन रहे हैं। बावजूद इसके इस सरोवर की सूद लेने वाला कोई नहीं है। नगर पालिक निगम भिलाई ने अपने क्षेत्र के तालाबों के उचित रख रखाव को लेकर इन्हें निजी एजेंसियों और समितियों को मांग के आधार पर सौंपा था, जिसमें से एक नेहरू नगर का भेलवा तालाब भी था, जिसे उसी तालाब के बगल में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सर की समिति ने लिया था। परंतु आज भी यह तालाब अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहा है। तालाब परिसर में यकीनन कुछ खूबसूरत बदलाव किए गए हैं, परंतु तालाब जस का तस पड़ा हुआ है और इसकी सुध लेने वाला अब तक कोई नहीं है। इस तालाब में एक खिलाड़ी तैराक की तालाब के अंदर उगी हुई झाड़ियों में फंसने से मौत भी हो गई थी। बावजूद इसके इस तालाब में यह झाड़ियाँ अभी भी नजर आती हैं और यह तालाब चारों तरफ से गंदगी से अटा पड़ा हुआ है। इस तालाब की दुर्दशा से ग्रैंड एशियन न्यूज टीम ने निगम महापौर नीरज पाल को अवगत कराया, तो आप भी सुनिए महापौर नीरज पाल इस पर क्या कहते हैं। मेरा एक निवेदन है आप लोग निश्चित रूप से जो मीडिया है वो हमारी कमियों को बताता है, लेकिन जैसे आज सुबह जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो आपको इसकी तारीफ भी करनी चाहिए कि ये धीरे धीरे एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। कमियाँ हर काम में रहती है, इसमें भी होंगी, हम सब चीज़ें धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज एक अच्छी शुरुआत है। और देखिए यहाँ पे यहाँ 6 महीने पहले 1 साल पहले जो स्थिति थी आज उससे बहुत बेहतर है और कमियाँ अभी भी होगी, मैं मानता हूँ उसको हम लोग आने वाले समय में। नेहरू नगर का यह भेलवा तालाब, जिसे श्री गुरु नानक देव सरोवर का नाम दिया गया है, इस परिसर में सुबह और शाम क्षेत्रवासी स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं, जिसे देखते हुए जिस प्रकार इस परिसर में बदलाव किए गए हैं, वैसे ही तालाब के भीतर साफ सफाई की आवश्यकता है, जिससे इस सरोवर के परिसर की तरह इस सरोवर का पानी भी स्वच्छ और निर्मल हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।